नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूँ आपके साथ विवरण। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। बुधवार को जिला जज साधना रानी ठाकुर ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्था, सुन्नी सेंट्रल वफ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से वकील मौजूद रहे। इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन बुधवार को सुनवाई में उनकी तरफ से कोई उपस्थिति नहीं हुई। जिला जज ने सभी पक्षों को सुनते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 दिसंबर तय कर दी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित कृष्ण भक्तों ने जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्था, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया था। कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी कर बुधवार को उपस्थित होने के लिए तारीख दी थी। कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट पहुंचे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, माथुर चतुर्वेदी परिषद, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से भी जिला जज की अदालत में पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए थे। जिला जज साधना रानी ठाकुर ने पक्षकार बनने वाले प्रार्थना पत्रों को भी ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर दे दी है। इससे पहले 25 दिसंबर को श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से स्थानीय अदालत में इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की गई थी, जिसको 30 सितंबर को हुई सुनवाई में जज छाया शर्मा ने खारिज कर दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में बहन बेटियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं और सरकार मिशन शक्ति व पिंक बूथ जैसी दिखावटी कार्यक्रमों में व्यस्त है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल पूछा था। प्रियंका गांधी ने पूछा था कि क्या यूपी के सीएम साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनका मिशन शक्ति कितना सफल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा, महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार बलात्कार, यौन उत्पीड़न व छेड़खानी के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उससे निराश होकर भाजपा सरकार में बहन बेटियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं और सरकार मिशन शक्ति व पिंक बूथ जैसी दिखावटी कार्यक्रमों में व्यस्त है। सरकार परिवार वालों का दर्द समझे, कितना सफल रहा मिशन शक्ति। ताजा बर्फबारी के कारण 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह राजमार्ग सोमवार को लगातार तीसरे दिन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार की सुबह द्रास सहित कश्मीर की ऊंची पहुंच से ताजा हिमपात हुआ और राजमार्ग बंद हो गया। यातायात अधिकारी ने बताया कि मड़ी मार्ग द्रास और जोजिला में ताजा बर्फबारी के कारण अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर राजमार्ग पर यातायात आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनमार्ग में 2 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। जोजिला में 2 फीट मिनी मार्ग पर लगभग 2 फीट तापमान -2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। उन्होंने हालांकि कहा है कि कोई भी वाहन हाईवे के दोनों ओर नहीं फंसे हुए हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि राजमार्ग पर यातायात के आवागमन को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस प्लस के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। और खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज प्लस के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।